Assalamu alaikum students, my name is Dr. Vaziha Tariq and today in this topic we will discuss the mechanism of breathing. हमने पहले पढ़ लिया कि gaseous exchange कैसे हो रहा था और कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही थी, ऑक्सीजन अंदर आ रही थी. अब हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है, उसको यानी ब्रीदिंग का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारे लंग्स में थोरेसिक कैविटी में क्या चेंज आती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लंग का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी प्रोटेक्शंस कैसी हैं. सो सबसे पहले ब्रीदिंग को समझने के लिए हमें ब्रीदिंग की डेफिनेशन को रिकॉल करना पड़ेगा आपके फर्स्ट टॉपिक से. तो ब्रीदिंग जो है वो हमारे पास फिजिकल मूवमेंट है एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज, यानी बॉडी की ऐसी मूवमेंट जिसके रिजल्ट में गैसियस एक्सचेंज हो वो हमारे पास ब्रीदिंग कहलाती है. ब्रीदिंग के दो फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन यानी एयर को अंदर लेकर जाना और एक्सपिरेशन एयर को बाहर लेके आना. इंस्पिरेशन का दूसरा नाम इनहेलेशन भी है और एक्सपिरेशन का दूसरा नाम एक्सहेलेशन भी है. सो अगर इंस्पिरेशन कोई आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन कहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के ही अदर नेम्स हैं. सो अगर हम बात करें कि हमारे पास इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता कब है, लंग को कैसे पता लगता है कि इंस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑक्सीजन, हमें बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो जो हमारा ब्रेन है वो रिब्स के मसल को मैसेज भेजता है कि रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दें. रिब्स रिलैक्स पड़ी होती हैं, ब्रेन से मैसेज आता है रेस्पिरेटरी सेंटर से ब्रेन के कि आप रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दें. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब रिब्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रेन का मैसेज आया मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिब्स को खींचेंगे. कोई भी चीज़ अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के साथ इलास्टिक सी कोई चीज़ उसके साथ धागा बांध दें या इलास्टिक ही बांध दें और उसको खींचें तो वो चीज़ जिस तरफ आप खींच रहे होंगे उस तरफ आएगी. तो इसी तरह जब रिब्स के मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और खींच के ऊपर की तरफ चली जाती हैं. नीचे पहले अगर रिलैक्स पड़ी हुई है तो खींचेंगी, ऐसे पड़ी हैं तो खींचेंगी और ऊपर चली जाएंगी. जब रिब्स ऊपर जाएंगी तो जो इसके साथ नीचे लंग्स के साथ डायाफ्राम एसोसिएटेड है, हमने पढ़ा था कि ऐसा डूम शेप का स्ट्रक्चर होता है, तो जब ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो डायाफ्राम रिब्स ऐसे करके फॉर एग्जांपल ऊपर रिब्स अटैच हैं, जब ये एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ चली जाएंगी तो ये डायाफ्राम को भी अपने साथ क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी. जब हमारे पास डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब्स से ऊपर चले गए, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी जो यू शेप थी वो ख़त्म हो जाएगी और वो ऐसे करके नीचे को आ जाएगी, यानी कि एक लीनियर सा, थोड़ा सा लीनियर में चला जाएगा, थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा और नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी लोअर्ड हो जाएगा. देन उसके बाद जब हमारे पास डायाफ्राम भी लोअर हो गई और रिब्स भी ऊपर चली गई तो अल्टीमेटली जो थोरेसिक कैविटी थी हमारे पास, थोरेक्स का रीजन था, वो उसका जो एरिया है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जब इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जो लंग्स थे वो भी हमारे पास फैल जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे. लंग्स के एक्सपैंड करने की वजह से लंग्स के ऊपर जो हमारे पास एयर का प्रेशर था, लंग्स के ऊपर जो एयर का प्रेशर था वो कम हो जाएगा. एक चीज़ पहले सुकड़ी हुई पड़ी थी, उसके ऊपर उसके अंदर जो एयर का प्रेशर था, उसके ऊपर जो एयर का प्रेशर था थोरेसिक कैविटी के अंदर, लंग्स के अंदर जो एयर थी वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी. जैसे ही वो फैलेगी, एयर जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा उसके हिसाब से एयर कम हो जाएगी तो एयर का प्रेशर भी कम हो जाएगा. ये रूल आप सबको पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है कि हमेशा एयर, वाटर एंड सॉल्ट्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. अब जो थोरेसिक कैविटी थी उसके अंदर कंसंट्रेशन हो गई लो, इस लो कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए ये सारा प्रोसेस हुआ. ये कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए अब क्या होगा कि जल्दी से जो एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर एयर है, रश्ड होगी इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, जल्दी से यानी तेज़ी से थोरेसिक कैविटी के अंदर मूव कर जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर से.
इक्वलाइज करने के लिए, इसको इक्वलाइज करने के लिए, इस कम प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए कि यानी कि आउटसाइड एयर का प्रेशर और इनसाइड एयर का प्रेशर नॉर्मल रहे, एयर अंदर से बाहर से अंदर आएगी। जब बाहर से अंदर आएगी तो उस एयर में आपको पता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वही प्रोसेस होगा, वो ऑक्सीजन जो है हमारे पास फिर लंग्स के अंदर जाके सारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस था, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस था वो करेगी, वो जो हमारे पास एयर थी, जो ऑक्सीजन थी, वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स को मिलेगी, वो सेल्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी तो हमारे पास होगा एक्सपिरेशन का प्रोसेस। ये एक्सपिरेशन का प्रोसेस कैसे होगा? एक्सपिरेशन का प्रोसेस ऐसे होगा कि अब हमारे पास जो 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 चेंजेस इंस्पिरेशन में आई थी उसको ऑपोजिट होता जाएगा सारा कुछ। जैसा कि रिब्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे और रेज्ड हो गए थे, यानी ऊपर की तरफ चले गए थे, एक्सपिरेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रिब्स जो हैं वो रिलैक्स्ड होके अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, जब रिब्स रिलैक्स होके अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे तो वो डायाफ्राम को भी छोड़ देंगे, डायाफ्राम भी रिलैक्स होके दोबारा से डूम शेप्ड हो जाएगी। डायाफ्राम डूम शेप्ड होती है, यानी गुंबद देखा है ना आपने, ऐसे गोल सा होता है गुंबद की तरह, डूम की तरह, वो की तरह यू इन्वर्टेड यू शेप, तो इस तरह की दोबारा से उसकी शेप मेंटेन हो जाएगी। जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया था इन दोनों प्रोसेस की वजह से, रिब्स की कॉन्ट्रैक्शन और डायाफ्राम के लोअर होने की वजह से जो हमारे पास इंस्पिरेशन के अंदर एरिया ज़्यादा हो गया था, अब ये जब अपने स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अपनी शेप पे, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे तो ये एरिया भी हमारे पास दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा। जबकि एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स के, लंग्स भी अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे, वापस सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके ऊपर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा थोरेसिक कैविटी के अंदर। एयर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से फिर वही प्रोसेस होगा कि आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन, एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया, आपको मैंने बताया कि हमेशा जो है वो एयर होगी, वाटर हो गया, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया और बाहर कम है, इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा कि जो अंदर की एयर है वो एक्सपेल्ड आउट कर जाएगी या रश्ड आउट हो जाएगी इन द एनवायरनमेंट। तो एयर मूव करेगी आउटसाइड द बॉडी, दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ आ गया हो तो बिल्कुल उसको ऑपोजिट ही एक्सपिरेशन है। इंस्पिरेशन में रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायाफ्राम लोअर हो रही है, चेस्ट कैविटी का, थोरेसिक कैविटी का एरिया ज़्यादा हो रहा है, लंग्स के ऊपर लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, उनका प्रेशर कम हो रहा है। जब उनका प्रेशर कम हो रहा है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए बाहर का ज़्यादा प्रेशर अंदर आएगा, ये इंस्पिरेशन हो जाएगी। अगर आप लोग खुद भी सांस लेके देखें इनवॉलंटरी कॉन्शियसली, वैसे तो इनवॉलंटरी एक्शन है ये, लेकिन कॉन्शियसली हम थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप खुद कॉन्शियस वे में, वैसे तो अनकॉन्शियसली होता जा रहा है, हमें पता भी नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप खुद सोचें, इसको कंसीडर करें, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप एयर को अंदर लेके जाते हैं ऐसे करके, तो आपके रिब्स ऊपर जाते हैं और डायाफ्राम जो है वो भी सीधा हो जाता है, लोअर हो जाता है, और एरिया आपको महसूस होगा कि आपके लंग्स का एरिया बढ़ गया है। इसी तरह जब आपका एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो आपको फील होगा कि लंग्स जो है और जो थोरेसिक कैविटी है वो कैसे एकदम से दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आई है। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रेन जो है वो हमारे पास कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को, और हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट और एक्सरसाइज पे हमारा रेस्पिरेटरी रेट, या एक्टिविटी जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब रेस्पिरेटरी रेट हमारा कैसे चेंज होता है और कितना होता है, तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल ह्यूमन में जिसको कोई बीमारी नहीं है और जो जिसको कोई इंजरी नहीं है, जो बिल्कुल रेस्ट पे है, जैसे आराम से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उसकी कोई भागने दौड़ने वाली एक्टिविटी नहीं हो रही, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो होगा 16 to 20 times, यानी 16 से लेके 20 तक, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है
16 to 20 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर 16 से 20 दफा एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो सांस लेता है। उसमें हमारे पास सांस लेने में एक चीज को आपने कंसीडर करना है कि ये नहीं है कि इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन दो, नहीं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एक फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वो दो, यानी कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का जो पूरा एक साइकिल है वो एक दफा रेस्पिरेशन एक दफा ब्रीदिंग कंसीडर हो। तो इस तरह टोटल 16 to 20 टाइम्स बंदा जो है वो एक इंसान जो है वो इंस्पायर और एक्सपायर करके ब्रीदिंग कर सकता है। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कंट्रोल होता है ब्रेन से, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी ब्रेन कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब है कि वो पहचान लेता है जल्दी से कोई भी चेंज आती है ना, वो उसको फौरन से मैसेज मिलता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन जो है वो सेंसिटिव है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए इन ब्लड। जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होने के बाद क्या करता है, आपके जो थोरेसिक कैविटी के मसल्स हैं उनको मैसेज भेजता है कि आपने अब नॉर्मल रेस्पिरेशन करवानी है, ज़्यादा करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है या कोई ज़्यादा मुशक्क़त वाली एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है। हम पहले अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन से एटीपी जनरेट होते हैं, एटीपी जनरेट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी के साथ साथ हमारे पास क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ज़्यादा एक्टिविटी होगी ज़्यादा एटीपी जनरेट होगा। ये साइन जो मैं बना रही हूँ ये इंक्रीज़ का साइन होता है, जब कोई चीज़ इंक्रीज़ हो तो उसको ऐसे मेंशन करते हैं। जब एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाके, क्योंकि ब्लड तो ब्रेन को भी पहुंच रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो है ये जाके आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देगी। जो हमारे ब्रेन के अंदर मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसको एक्टिवेट कर देगी। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मैं उसको ऐसे मेंशन कर रही हूँ, रेस्पिरेटरी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मैसेज भेजेगा आपके रिब्स के मसल को कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं। जैसे मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया कि ब्रेन से मैसेज आता है, ये उसी की डिटेल बता रही हूँ। रिब्स के मसल को मैसेज आया, रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने आपका वही सारा प्रोसेस के रिब्स को और डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जिसके बाद जो है वो बाहर से एयर अंदर आई, अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर चली गई और नॉर्मल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैकेनिज़म था उसके थ्रू कंसंट्रेशन मेंटेन हो गई। अब ये रिब्स के मसल को मैसेज गया और इस तरह जो अल्टीमेटली सारा वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो गया और आपकी बॉडी में जो कंसंट्रेशन थी वो मेंटेन हो गई। सारे प्रोसेस का जो मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाए, ये ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाए और जो है वो अल्टीमेटली बॉडी को कोई भी डैमेज कॉज करे। तो जल्दी से जो है वो मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन जल्दी से जो है वो उसे कंट्रोल करता है और सारा जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन दोबारा से बाहर से वापस आती है, प्रेशर मेंटेन हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो हमने ब्रीदिंग रेट पढ़ा था 16 टू 20 टाइम्स रेस्ट पे, लेकिन इस सारी एक्टिविटी के बाद जो कि हमारे पास एट एक्सरसाइज हुई थी या कोई भी मुशक्कत वाली, मैंने आपको कहा कोई भी मेहनत वाला काम था, जैसे आप, जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ, या कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उतर रहा है बार बार, कोई वॉक कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस पर ये वाला सारा प्रोसेस हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रेन एक्टिवेट होगा और उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करेगा। तो ये सारा प्रोसेस, अच्छा नॉर्मलाइज तो इसमें भी कर रहा है और नॉर्मलाइज इसमें भी कर रहा है,
लेकिन इसमें वो 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करके रेस्पिरेशन करके उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइज करने के लिए हमें ज़्यादा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हमारे पास ब्रीदिंग के रेट को भी ज़्यादा कर देगी। वो ब्रीदिंग का रेट जो है वो ऑलमोस्ट आपका हो जाता है इसके अंदर 35 to 40 टाइम्स। ये इतना जा सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 35 to 40 पर मिनट ब्रीदिंग रेट जा सकता है। तो ये ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना मैक्सिमम जा सकता है, वो जा सकता है हमारे पास 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज पे और एक्टिविटी पे, ये 30 to 40 मिनट्स जा सकता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को एक्सरसाइज पे और किसी भी स्ट्रेनस एक्टिविटी पे। तो इंशाल्लाह फर्दर हम और डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।